नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि मुल्लों ने एक बार फिर यू टर्न मार लिया है। राम जन्मभूमि मामले पर आपको बता दूं कि जब चिल्ला चिल्ला कर यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला चाहे क्यों ना आए, हम उस फैसले को मानेंगे, लेकिन अब एक बार फिर मुल्लों ने पलटी मार ली है। पूरी खबर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने और क्या इसे थूक कर चाटना नहीं कहेंगे। आप ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जब यह कहा जा रहा था, जब सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से यह कहा जा रहा था, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि फैसला चाहे जो भी आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, चाहे फिर वो हिंदू हित में आए, चाहे फिर वो हिंदुओं के हित में आए या हिंदुओं के फेवर में आए, चाहे फिर वो मुस्लिमों के फेवर में आए, किसी भी फेवर में आए, लेकिन उस फैसले पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ये कहा जा रहा था पूरे देश में। लेकिन अब जब फैसला आ गया, फैसला शनिवार को आया था आपको बता दूं, लेकिन उस फैसले के आने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और मुस्लिमों ने पलटी मार ली है। दोस्तों पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या इसे, जैसा कि मैंने फिर कहा कि क्या इसे थूककर चाटना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मानेंगे, लेकिन जब फैसला आ जाता है, ऐतिहासिक फैसला सुना देता है सुप्रीम कोर्ट, तो आप उस पर पलटी मार जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जवाब मुस्लिम पक्ष के लिए जरूर लिखते रहे। अब आपको बताता हूं, दरअसल बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, AIMPLB ने यह जाहिर कर दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि वो अयोध्या के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। हालांकि आपको बता दूं कि रिव्यू पिटीशन के दाखिल करने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। रिव्यू पिटीशन में दरअसल होता यह है कि वकील, जो भी पक्षकारों के वकील हैं, जो अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं, सिर्फ उन्हीं दलीलों पर अब आगे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है, यानी कोई भी दलील आगे और पेश नहीं की जाएगी। पहली चीज ये क्लियर है रिव्यू पिटीशन के दौरान। तो अब ये कहा जा सकता है कि रिव्यू पिटीशन, देखिए, याचिका स्वीकार करेगा भी सुप्रीम कोर्ट या नहीं करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों का कहना यह है कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी, देखिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह फैसला जैसा है जस का तस बना रहेगा, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और रिव्यू पिटीशन के बाद भी कुछ नहीं हासिल होने वाला। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसका हक है और वो रिव्यू पिटीशन जरूर दाखिल करेगा, बिल्कुल हक है। लेकिन आज आपको बता दूं कि लखनऊ में हाई वोल्टेज एक ड्रामा किया गया, पहले हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, उसके बाद एक AIMPLB की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई, और पहले यह बैठक इस्लामिक सेंटर में होनी थी, लेकिन एक शिक्षण संस्थान में यह बैठक होनी है, इस वजह से कुछ पक्षकार इस पर नहीं माने, और उसके बाद यह बैठक जो है लखनऊ के मुमताज कॉलेज में हुई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMPLB के सदस्य कासिम रसूल इलियास प्रेस के सामने आए, मीडिया के सामने आए, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दूसरी जमीन स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है वो रामलला विराजमान को दी जाए, यानी हिंदुओं के फेवर में आया था यह फैसला। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस रखते हुए यह भी कहा था कि मुस्लिमों को ही अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाए जिस पर वो मस्जिद बना सकें। तो अब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो किसी दूसरी जगह पर मस्जिद नहीं लेंगे, किसी दूसरी जगह पर जमीन नहीं लेंगे, और इसी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही AIMPLB ने कहा कि मस्जिद की जमीन के बदले मुसलमान कोई दूसरी जमीन स्वीकार नहीं कर सकते हैं और न्याय हित में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए, यानी बाबरी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही AIMPLB ने कहा कि मुसलमान किसी दूसरे स्थान पर अपना अधिकार लेने के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। आपको बता दूं दोस्तों कि आज मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलीलें रखी हैं वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो दलील दी गई हैं उनमें कुछ अहम दलीलें आपको बताता हूं। पहली दलील ये है कि बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा 1528 में हुई थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। दूसरी दलील है कि मुसलमानों द्वारा दिए गए सबूत के मुताबिक 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली
इमारत और मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है और इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 19 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व विभाग है, उसकी दलीलों को अहम माना था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनाई गई है, अगर मस्जिद के नीचे देखते हैं तो मस्जिद के नीचे जो संरचनाएं मिलती हैं, जो आकृतियां मिलती हैं, वो वैसी संरचनाएं और वैसी आकृतियां मस्जिद में नहीं मिलती हैं। यानी यह साफ तौर पर यह कह दिया गया था पुरातत्व विभाग की तरफ से कि मंदिर के ऊपर तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो यह संरचनाएं मिली हैं वो मंदिर से भी नहीं मिलती हैं, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संरचनाएं मस्जिदों में हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो सबसे ज्यादा जो जोर रहा वो रहा पुरातत्व विभाग के जो आंकड़े थे, पुरातत्व विभाग की जो दलीलें थी उस पर रहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी मानने को तैयार नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो अब कहना यही है कि हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका यह कहना है। वहीं आपको बता दूं कि एक पक्षकार इस्लाम इकबाल अंसारी ये पहले ही जाहिर कर चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, ना ही वो इस पर राजनीति करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो ये सारा मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है सियासत के लिए। देखिए जब आप ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखिए देश की सर्वोच्च संस्था है, भारत देश की सर्वोच्च संस्था है और आप भी इस देश में रहते हैं, जब आप ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई की, 2 महीने सुनवाई की और सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक फैसला दिया जिस पर सालों से विवाद चलता आ रहा था, और जब आप यह कहते हैं, जब सभी पक्षकार एक जगह बैठकर यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो भी फैसला क्यों ना आए, किसी भी पक्ष में आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से किसी को नहीं मालूम था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह जो हमारा फैसला है यह धार्मिक आधार पर नहीं दिया गया, जो दलीलें पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं दलीलों के आधार पर यह फैसला दिया गया है, ना ही किसी धार्मिक आधार पर, ना ही किसी आस्था के ऊपर और ना ही किसी धर्म के लिहाज से। तो सीधे सीधे जब आपने दलीलें पेश की ही नहीं, जब आप आपका जो सबूत थे, आपकी जो दलीलें थी, वो जब सुप्रीम कोर्ट को भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वो दलीलें ठोस नहीं लगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले से जब सभी चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि नहीं साहब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, तो फिर अब इस रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या बनता है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसे आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप मानते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, हॉकफीड न्यूज सही कह रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब बताएं। इसके साथ ही इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि इसे मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर पलटी मार ली है, एक बार यू टर्न ले लिया है और एक बार इसे कह सकते हैं कि थूक कर चाटना। क्योंकि जब आप चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि हम अपील नहीं करेंगे, लेकिन आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हैं, हालांकि मैंने आपको जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस रिव्यू पिटीशन से हासिल कुछ नहीं होने वाला, फैसला जस का तस बना रहेगा। हां, एक दिल की शांति है और ये दिखाना है देश भर के लोगों को, ये दिखाना है कि साहब हम देखिए रिव्यू पिटीशन के लिए भी गए थे, हमने देखिए रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया। तो एक ये दिखाने वाली चीज है। जैसा कि आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमें बाबरी मस्जिद चाहिए, उनका एक ट्वीट भी आया था हमें बाबरी मस्जिद चाहिए। जनाब अब बाबरी तो नहीं है, और बाबरी मस्जिद लेने के लिए आपको बाबर के पास जाना पड़ेगा और बाबर बाखुदा ऊपर जा चुके हैं, तो अभी देश को आपकी जरूरत है, आप जाए ना बाबर के पास। तो ये है ओवैसी साहब। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मसला है वो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने साहब रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया था। हालांकि रिव्यू पिटीशन आपका हक है, मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन आपका हक है, आप जरूर दाखिल करें, लेकिन रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से पहले जरा यह सोचिए कि फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से पहले यह चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहा था कि हम फैसला जो भी आए उसे जरूर स्वीकार करेंगे, उसे जरूर मानेंगे, उसे सहर्ष से स्वीकार किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि रिव्यू पिटीशन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिव्यू पिटीशन में कोई भी और दलीलें नहीं ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट और नई दलीलों को पेश नहीं होने देगा। इसके साथ ही जो दलीलें पेश की गई हैं, जो फाइल तैयार की गई हैं, उन्हीं दलीलों के आधार पर एक बार फिर
फैसले को रिव्यू किया जाएगा, सिर्फ फैसले का रिव्यू किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वो रिव्यू करेगा, दलीलें कोई भी नई पेश नहीं की जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, इस खबर को शेयर जरूर करें, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पलटी मारी है, जिस तरीके से जो ये यूटर्न लिया है, ये बेहद मतलब कह सकते हैं कि ये नहीं माना जा सकता कि इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आप चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि हम फैसला मानेंगे, तो अब आपका सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मतलब नहीं बनता। खैर फिलहाल दोस्तों इतना ही, खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।